हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलबोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं जहां नेपोटिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बिग बॉस हाउस में आज बनने वाला है। वहीं कल भी मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने ये बात कहा था कि नेपोटिज्म का जो ये मुद्दा है भैया अब से नहीं उठा हुआ है, बॉलीवुड में ये मुद्दा बहुत पहले से उठा हुआ है। अब बिग बॉस में पहली बार किसी कंटेस्टेंट ने इस पर खुलकर बात किया है, खुल के उन्होंने कमेंट किया है भैया जिस तरह से जान पर, क्योंकि उस कुमार सानू के लड़के हैं, बस इसी तरह से जहाँ उन्हें लग रहा था कि कुमार सानू, अगर जान सानू शो के अंदर टिके हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुमार सानू की वजह से, तो चाहे जो भी वो नेपोटिज्म की एक आवाज़, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं वो आवाज़ अब उठ चुकी कि नेपोटिज्म है घर के अंदर, जहाँ पे पूरे घर वाले पूरी तरह अगेंस्ट रहेंगे राहुल वैद्य के कि भैया नेपोटिज्म का आपने क्यों नाम लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई नेपोटिज्म का पार्ट नहीं और आप इस तरह का शो में नाम नहीं ले सकते। वही सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शन आना शुरू हो गए बाहर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो चिंगारी लगी है वो आके धुएं बहुत आराम से हर जगह फैलने वाले, तो बिल्कुल वही चीज़ हो गया है। क्योंकि सबसे पहले इस पे कमेंट करने वाली सारा गुरपाल है। सारा ने अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर उन्होंने साफ तौर पे ये बात लिखी है कि कुमार जो जान शानू हैं वो अपनी मम्मी के साथ रहे हैं, क्योंकि उनके अपने पापा से जब वो अलग हो गए और हम चाहते हैं यहाँ पे वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए। अब इस चीज़ का एक अलग एंगल से भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मे बी ये भी एंगल हो सकता है, क्योंकि जान शानू जिस हिसाब से वो बात करते हुए नजर आएंगे कि मेरे पापा ये हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस तरह की, क्योंकि उन्होंने शो के अंदर हमेशा ये बात कहा है कि वो आज जो भी हैं जहाँ और जैसे भी हैं वो अपनी मॉम की वजह से हैं और वो अपनी मॉम की वजह से ही जाने जाते हैं, तो उन्हें अपने पापा का नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं था, तो नेपोटिज्म यहाँ पे पार्टी नहीं बनेगा। तो वो एक तरह से यही बात समझाना चाह रही थी, या वो उस सपोर्ट में शायद से वो बात करना चाह रही थी कि जब आपके पापा आपके, आप हमेशा कहते हैं कि आप अपने मॉम के नाम से जाने जाते हो, तो आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। जहाँ पर ये एक बवाल हुआ है वहीं बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा था कि नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहिए था। वहीं पर सारा गुरपाल ने ये भी कहा है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हो या आप जो भी हो, मैं भी किसी फैमिली से नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपना यहाँ पे एक अलग मुकाम बनाया हुआ है और मैं इस घर मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ मैं अपने मुकाम पे डर हूँ। और वो राहुल वैद्य की भी तारीफ़ करते हुए ये बात कहती है कि राहुल ने भी आज तक जो भी काम किया है वो किसी के ऊपर रह के नहीं किया है, ना उनका कोई गॉडफादर वहाँ पे था, फिर भी वो अपने टैलेंट की वजह से उस मुकाम पर गए हैं। पर जो भी हो, राहुल का ये आवाज़ उठाना भले ही अगेंस्ट हो एक तरह से घर वाले के, भले ही अगेंस्ट हो, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, पर बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जान को टिकाना उस घर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का पूरी तरह एक, अगर उन्होंने आवाज़ उठाया है तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ फील हुआ है कि नेपोटिज्म की वजह से वो घर के अंदर एक तरह से रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो फील हुआ उन्होंने बता दिया। पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है, कुछ लोग सपोर्ट में बात करें, कुछ लोग नहीं सपोर्ट में बात करें, चाहे जो भी हो, पर नेपोटिज्म का ये मुद्दा जब सलमान के सामने आएगा और जब वीकेंड होगा तब देखना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान इस नेपोटिज्म को किस तरह लेंगे, क्योंकि नेपोटिज्म में सबसे पहले नाम अगर किसी का आता है तो खान्स के भी आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खान सी बॉलीवुड चला रहे, कुछ ऐसे सरनेम के साथ दंगे की चोट पे कंगना भी बोलती है और ये माना भी जाता है। तो वेल, चाहे जो भी हो, अब नेपोटिज्म की आवाज़ निकल चुकी है, कहाँ तक जाएगी और कब तक रहेगी ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर सारा गुरपाल का ये ट्वीट साफ तौर पर ये बात क्लियर करता है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो नेपोटिज्म का कोई पार्ट नहीं है, और राहुल जिस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं ये मानना भी कहीं ना कहीं हमें एक तरह से लगता है कि अगर जान उस शो के अंदर टिके हुए हैं तो मे भी शायद से नेपोटिज्म की वजह से। ट्रिबेल, आपको पर क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।